माने राकेश प्रताप जी, ध्यानाकर्षण के लिए है, सिर्फ आप कहेंगे। ठीक ठीक, धन्यवाद माननीय अधिष्ठाता महोदय। नियम 56 के अंतर्गत आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गरीब जनता से जुड़े एक विषय को इस सदन में लाया हूं, और निश्चित तौर से एक तरफ ये हो रहा है कि हम पीजीआई मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं दिला पा रहे हैं, लोगों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को सुविधाएं नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो योजनाएं हैं उनको हम बंद करने का काम कर रहे हैं। मेरे जनपद में अमेठी विधानसभा में एक संजय गांधी अस्पताल है जो पिछले 25 साल से लगभग संचालित है, ओटी चलती है, ओपीडी चलती है, हजारों लोगों का वहां, गरीब लोगों का इलाज होता है। अपरिहार्य कारणों से 17 सितंबर को उसको सीज कर दिया जाता है, उच्चतम न्यायालय के आदेश से 6 अक्टूबर को उसको पुनः संचालित करने का आदेश किया जाता है, और अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं पुनः बहाल करते हुए ओटी ओपीडी और लोगों की का इलाज शुरू होता है, लोगों के ऑपरेशन होते हैं, लोगों को मदद होती है। वो अस्पताल आयुष्मान भारत कार्ड से आच्छादित था, लेकिन सारी सुविधाएं तो उसकी बहाल कर दी जाती हैं, अस्पताल को पुनः संचालित करवाया जाता है, लेकिन आयुष्मान कार्ड भारत कार्ड उसका आज तक नहीं बहाल किया जा रहा है, और गरीबों का इलाज उसमें नहीं हो पा रहा है। मैं केवल इतना आपसे कहना चाहता हूँ, अस्पताल से अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ के गरीब लोगों का इलाज होता है। कल की घटना है, कल एक गरीब आदमी वहां जाता है, उसका एक्सीडेंट होता है, पैर टूटता है, और उसके पास आयुष्मान कार्ड होता है, मुझे वो फोन करता है, लेकिन मैं उसका इलाज उस अस्पताल में नहीं करा पाता हूं, और मेडिकल कॉलेज में भी नहीं भर्ती करा पाता हूं, लिहाजा वो किसी प्राइवेट अस्पताल में जाके लूटने के लिए मजबूर हो जाता है। तो मैं इस आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं कि उस अस्पताल का, संजय गांधी अस्पताल मुंशीगंज का, जो आयुष्मान कार्ड की सेवा रोकी गई है, सुविधा रोकी गई है, उसको अविलंब शुरू कर दिया जाए, जिससे गरीब जनता का इलाज हो सके। यदि उसमें कहीं कोई टेक्निकल कमी भी है या भारत सरकार की भी कोई अनुमति की जरूरत है, तो मैं प्रदेश सरकार से ये अनुरोध करता हूं कि एक प्रस्ताव भेज के जनहित में उसकी स्वीकृति लेते हुए वहां आयुष्मान भारत कार्ड की शुरुआत की जाए, जिससे गरीबों का इलाज हो सके, कमजोरों का इलाज हो सके, मजदूरों का इलाज हो सके, जरूरतमंदों का इलाज हो सके। और मैं ध्यान आकर्षण का जी, थैंक यू, बिल्कुल सरकार को आप ऐसा निर्देश दें, ऐसी मांग करता हूँ।